नमस्कार, आप देख रहे हैं dilalantop.com की चुनाव यात्रा इन एसोसिएशन विद सर्ज बाबू और गबन आए। और चुनाव यात्रा की टीम हीरा फिलहाल पाली के सोजत में है। सोजत उस जगह का नाम है जहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया क्वालिटी की मेहंदी होती है। और फिलहाल हम लोग ब्राइट हिना के कैंपस में हैं। इस फर्म के बारे में हमें ये बताया गया था कि यहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए मेहंदी जाती है, और हमने उनसे थोड़ा सा वक्त ले लिया है ये जानने के लिए कि जो मेहंदी बनाने का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है और कैसे ये क्वालिटी वाली मेहंदी बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मैं वक्त देने के लिए। आपका नाम क्या है? मुकेश ईरानी। आप ब्राइट हिना के पार्टनर हैं। और सबसे पहला स्टेज जो होता है मेहंदी खेत में उगती है, इतना सब लोग जानते हैं। इस इलाके में जो आपने बताया था कि आसपास के जो 150 किलोमीटर का इलाका है वहाँ पे बढ़िया मेहंदी होती है, उसमें क्या खास है, इस एरिया की मेहंदी में क्या खास है? मेहंदी इस एरिया की मेहंदी में जो है कलर बहुत अच्छा आता है, जो लासन पिगमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है दूसरी के मुकाबले। अच्छा। जी हाँ। मिट्टी या मौसम का भी कोई उसमें रोल है? मिट्टी यहाँ की बहुत सूट करती है कलर के हिसाब से, जो रचती है ना मेहंदी वो मिट्टी के हिसाब से सूट करती है ये, और ये कम पानी का पौधा है। जी हाँ। कितनी बारिश में हो जाता है ये? करीब 5-6 इंच बारिश हो जाए साल पे अगर टाइम पे, तो वो ये अच्छी क्रॉप हो जाती है क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से। अच्छा। जी हाँ, बता रहे थे कि अगर पत्ता मोटा रहे तो आप लोगों के लिए अच्छा होता है वो। और फिर डिपेंड करता है बारिश के ऊपर सारा। जी हाँ, अगर कम बारिश होती है तो फसल कम होती है, लेकिन पत्ता मोटा रहता है तो उस हिसाब से वेट बढ़ जाता है, तो किसान को जो पैसा अच्छा मिल जाता है। जी हाँ, ठीक है। और ये सब कुछ फिर आसपास के जो किसान होते हैं वो लोग सोजत की मंडी में लेके आते हैं, और मंडी से फिर आप लोग उठाते हैं उसको? मंडी से हम जो ऑक्शन में से हम लेके आते हैं मंडी में से। अच्छा। जी हाँ, यहाँ पे एक मन का यानी 40 किलो का रेट चलता है। ठीक। जी हाँ, जैसे अभी 4000 रुपये के आसपास चल रहा है रेट, यानी 100 रुपये किलो का मेहंदी का रेट है अभी। अच्छा, 100 रुपये किलो, ये कच्चे माल की बात कर रहे हैं? कच्चे माल, उसके बाद में जो खर्चे वगैरह आते हैं या जो वेस्टेज निकलती है वो अलग है वो। तो और ये पहला स्टेज यहाँ पे होता है मेहंदी का, है ना? उसमें इस मशीन को क्या कहते हैं जो हम पीछे? सेपरेटर कहते हैं इसको। अच्छा। हाँ जी, इसमें जो है पत्ता डालते हैं, और भी पत्ता जो आगे जाके इसमें जो मेहंदी पत्ते के साथ में जो भी मिट्टी बीज वगैरह आ जाते हैं, पत्थर आ जाते हैं जैसे ये है, तो वो साथ निकल जाते हैं, खाली पत्ता फिर आगे हवा के साथ उड़ के चला जाता है। अच्छा। और फिर आगे सेकेंड स्टेज में फिर ये क्रशर है, प्रेशर है, उसमें फिर इसकी पत्ते की जो है क्रशिंग होती है, चूरी हो जाती है, वो स्टोरेज के लिए काम आती है। मतलब यहाँ पे पहले सब, मतलब मंडी से आने के बाद सबसे पहले इधर जाता है? सबसे पहले इधर जाता है। ठीक है। और यहाँ से फिर देखिए अभी जैसे निकल रहा है तो ये साफ बीज वगैरह सब अलग हो जाता है, ठीक है ना, और फिर सेकेंड स्टेज में ये क्रशिंग पे मशीन पर जाता है ये, फिर उसकी क्रशिंग होती है और जो चूरी होके और स्टोरेज में काम आता है। चूरी इस साइड दिख नज़र आ रही है हमको, क्या ये इधर? जी हाँ, ये चूरी है। ठीक है। और ये ड्रम से क्या छनाई होती है? छनाई होती है, जो क्रशिंग होके इधर आता है और फिर इसमें ये छलनी लगी हुई है 2-3 गेज की। अच्छा। उसमें से छनाई होके पत्ती अंदर आ जाती है और ये जो है ना ये फिर बाहर फेंकते हैं हम। ये आप लोगों के लिए वेस्ट मटेरियल? मतलब सेकंड क्वालिटी में जहाँ वही डिमांड होती है सेकंड हल्के माल की, यहाँ कोई ले जाता है तो फिर हम यहाँ फिर बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, ये भी ले जाते हैं लोग आपसे? लोग ले जाते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेज हमारा पूरा हो जाता है। ये मेहंदी की पत्ती प्योर है ये। जी हाँ, यहाँ से सीधा अगला स्टेज चालू हो जाता है या फिर कुछ दिन रहता है ये यहाँ पे? ये स्टोरेज में काम आता है ये, जैसे अभी हमारे पास है, अभी प्रोसेस करके हमने रख दिया, फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम इसको यूज़ करते रहेंगे। अच्छा। जी हाँ, तो मतलब कुछ दिन वेट करती है मेहंदी अगले स्टेज जाने से पहले? हाँ जी हाँ, मतलब जितनी ज़रूरत होती है हम वहाँ खाली करवा देते हैं पल्वराइजर पे, और नहीं तो फिर हम हॉल में मतलब स्टोर हो जाती है। जी हाँ, तो वो पल्वराइजर चल के देखते हैं। जी हाँ। अभी कितनी यूनिट्स होंगी यहाँ पे सोजत में? 125 से 130 यूनिट है यहाँ पे। जी। और कब से ये हम काम देख रहे हैं होते हुए सोजत में? सोजत में हमारे को करीब 50 साल हो गए, उससे भी 20-25 साल पहले से ही इंडस्ट्री चालू है। मतलब 70-75 साल से सोजत में ये इंडस्ट्री काम कर? जी हाँ जी हाँ। और कितने लोग जुड़े होंगे इस व्यवसाय से? पूरा मतलब कि यहाँ का जो 75% इकोनॉमी सोजत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है मेहंदी पे टिकी हुई है, ये पल्वराइजर चल रहा है।
अच्छा, और यहाँ पर क्या होता है? ये जो जो क्रशिंग लीव्स है, चूरी है, वो यहाँ पर खाली करते हैं, फिर ये इसमें पल्वराइजर में पिसाई होती है इसकी। यहाँ इस पिसाई के बाद ये ऊपर उड़ के जा रहा है ये हॉपर में? हाँ, हॉपर से फिर ये बैग में आ जाता है। अच्छा। और ये फिर यहाँ पे रखते हैं हम। और ये बैग के अंदर मतलब प्योर मेहंदी है एकदम? इसके में, इसके बाद में भी एक स्टेज है, वो छनाई होती है इसकी। अच्छा, जी हाँ। जो उसमें भी है ना, इसके साथ में जो जो लकड़ी अगर पिस जाती है ना, वो छनाई में निकल जाती है, फिर जो भूसा होता है जो। अच्छा, वो पिसा हुआ भी अलग कर देंगे आप इसमें? अच्छा, ये मेहंदी है? जी हाँ, ये पिसाई हुई। और इसके बाद में एक स्टेज और होता है। अच्छा। जी हाँ, वो आगे है इस तरफ है। अच्छा, इस मशीन को क्या कहते हैं? इसको छनाई मशीन कहते हैं, स्कैनर। अच्छा। जी हाँ, फिर इसमें यहाँ पे पाउडर खाली करते हैं, यहाँ पे फिर छनाई होती है। ये ऊपर चढ़ जाता है और इसमें भी छलनी लगी हुई है वो, और एक बैग यहाँ लगा हुआ वैसा एक बैग। जी हाँ, बस वो ऊपर डालते रहते हैं और जो भूसा है वो उधर निकल जाता है और ये प्योर पाउडर फिर इधर निकल जाता है। अच्छा, ये आपका प्योर पाउडर है और ये भूसा है? ये जो आता है ये भूसा है ये। अच्छा। जी हाँ, और इस भूसे के बारे में बताया गया था कि आप लोगों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये हम सेकंड क्वालिटी में, जैसे कभी एक्सपोर्ट वगैरह की डिमांड होती है हल्के माल की, यहाँ कोई यहाँ पे जैसे एमपी वगैरह में क्या कहे, दिवाली पे जानवरों को काफ़ी लगाते हैं, तो फिर उसमें काम में आता है, लेके जाते हैं ये। अच्छा, और जो मतलब ऐसे खुसुर बुसुर में वो सुनने को आता है कि कई कुछ बड़े ब्रांड्स भी हैं जो ये खराब माल उठाते हैं? जी हाँ, ये फाइनल प्रोडक्ट है ये। जी, फाइनल प्रोडक्ट रेडी फॉर पैकिंग है। जी हाँ जी, एक मिनट, आप सर के भाई हैं, आप भी इस फर्म में पार्टनर हैं, है ना? क्वालिटी के लिए आप जो कह रहे थे ना, ये खुसुर पुसुर नहीं है, बड़े ब्रांड हल्की क्वालिटी लेते हैं यहाँ पर, ये पूरे सोजत को पता है। हम मतलब आप यहाँ से मंडी जाएंगे, वहाँ आपको उनसे पूछेंगे, वो आपको बताएंगे। मतलब ये जो आपकी मशीन से जो बाहर फेंक दिया गया है, वो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे प्रोडक्ट से अच्छा है, वो कभी क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल। मतलब सोजत की और भी यूनिट्स में इस तरह का? अच्छा, इसके बाद अब बची है पैकेजिंग, मैं वो देखना चाहता हूँ जहाँ पे वो छोटी छोटी पुड़िया में मेहंदी आती है। इसके बाद में फिर वो पैकिंग, जैसे ये लूज माल है, जहाँ से जरूरत होती है छोटी से छोटी पैकिंग है, बड़ी से बड़ी है, मतलब 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक हमारी आती है पैकिंग। तो ये वही था भूसा, इसको इसी को कहते हैं क्या, गोदरेज क्वालिटी कहते हैं जो मंडी? अच्छा, इस बारे में हम क्लेम कर लेंगे। अच्छा, मंडी मतलब कोलोकियल, मतलब मैं किसी ब्रांड का ये नहीं कर रहा हूँ के लिए, हम नहीं कहेंगे। हाँ। कौन क्या लेता है करता है, हमें ये पता है कि हम बहुत ही शानदार और बहुत बेस्ट क्वालिटी की ईना बनाते। अच्छा। हैं। अच्छा, तो ये मंडी की भाषा है ना, गोदरेज क्वालिटी। अच्छा, ये पैकेजिंग ये इधर इस तरफ हो रहा है, छोटी पैकिंग में ये रही, ये अलग अलग पैकिंग में फिर ये निकलती रहती है ये। हाँ, जैसे जरूरत होती है, जैसे ऑर्डर होता है, वैसे हिसाब से निकलती रहती है ये। इसमें भी मतलब एक तरफ एक फीडर में यहाँ पे आप लोग कच्चा माल डालते हैं और फिर ये उड़ के जिस इसमें जा रहा है, फीडर है। हाँ हाँ, यहाँ से माल ऊपर चढ़ता है। अच्छा, एक धीरे धीरे ये जाता रहेगा इसमें, जरूरत होती है ये अंदर स्क्रू फीडर जले भी लगी हुई है, ऊपर माल चढ़ता रहता है, फिर होपर में जाता है, फिर जैसे जैसे जरूरत होती है माल पाउच में फिल होकर पैक होकर निकलता है ये। इसी में छोटा और बड़ा दोनों तरह के पैकेट मशीन में, इस मशीन में सारे एडजस्टमेंट है, मतलब 20 ग्राम, 40 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, मतलब ये मशीन की सेटिंग्स पे। तो ये तो बड़ा पैकेट हुआ, और कौन कहाँ बनता है, कौन से मंगवा रहे हैं? अच्छा, यहाँ तो पैकिंग का काम चालू है। ये तो फिनिश प्रोडक्ट हो, एक मशीन आप बता रहे थे ना कि जिससे कौन में भराई होती है। अच्छा, बंद है। मैं बस वो जगह देखना चाह रहा था जहाँ पे आप लोग खाली कौन से रख, इससे क्या होता है, ये क्या है ये चीज? हाँ जी, अच्छा इसकी, अच्छा इससे बैग की सिलाई होती है, ठीक है। अच्छा, ये खाली कोन है, ये एम्प्टी कोन इधर लगाते हैं नीचे, ये ऑटोमेटिक है और ये मैन्युअली है ये। अच्छा, एक मैनुअल वाली भी, एक में मोटर लगी हुई है, एक में मैन्युअली है। फिर ये इसमें सेटिंग की हुई है, हमारा 30 ग्राम का कोन आता है, वो जैसे फिल होता है हटा देते हैं और फिर ये मैनुअली पैक कौन बनता है ये। अच्छा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ के इनको बंद भी करता है। मतलब कि एक दिन में मतलब करीब समझो आप 50-50 हज़ार कौन बन जाते हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ,
अच्छा, तो आपके यहाँ से कहाँ कहाँ तक सर माल जाता है? सोजत से और आपकी यूनिट से, दोनों से बता पूछ रहा हूँ। हमारा यहाँ से थ्रू आउट इंडिया जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है, और हमारा ऑफिस भी है दुबई में। अच्छा, तो आपकी यूनिट का ऑफिस दुबई में भी है? जी, 25 साल से हमारा। वहाँ से फिर सऊदी है या अल्जीरिया है या आगे इराक ईरान है, वो जाता रहता है। जी हाँ जी। और इसी से बालों में लगने वाली मेहंदी भी यही है? जी हाँ, बालों में भी लगा सकते हैं ये मेहंदी। जी हाँ, ये हाथों में भी लगा सकते हैं क्योंकि प्योर नेचुरल है, तो कोई नुकसान नहीं करती है ये मेहंदी, और फायदा ही होता है इससे। और जो बाल में लगाते हैं उसमें जो, जैसे एक तो जो मेहंदी का कुदरती रंग होता है और जो बाकी कलर्स हम देखते हैं बरगंडी वगैरह, उन वो सारा केमिकल होता है, वो सारा जो पीपीडी आता है केमिकल आता है उसके, उसका मतलब ब्लेंड होता है। अगर आपको ब्राउन चाहिए तो ये फार्मूला है, ब्लैक चाहिए तो ये फार्मूला है, बरगंडी चाहिए तो उसका फार्मूला अलग है। तो ये एक है कि मतलब जो कुदरती रंग है वो तो बस यही है जो आप लोगों के पास। अगर आप कुदरती रंग है, बढ़िया क्वालिटी की मेहंदी अगर हाथों पे आएगी तो डार्क मरून रेड होगी, ठीक है ना, और बालों में गोल्डन कलर आएगा, गोल्डन रेड कलर आएगा बालों में वो उस मेहंदी का। वही आप वो ये निशानी है कि मेहंदी कुदरती है। हाँ जी, हाँ जी। और आपके, आप बता रहे थे कि आपके यहाँ से सेलिब्रिटीज़ के यहाँ भी चली मेहंदी जाती है, कहाँ कहाँ गई है अभी तक? अभी अभी क्या कहिए, कंफर्म तो ये नहीं कि अभी, जैसे प्रियंका की शादी हुई थी तो वो हमारे से यहाँ से बोल के गए कि उनके लिए चाहिए, तो हमारे यहाँ से मेहंदी लेके गए थे करीब। उससे पहले पहले अभिषेक एस की शादी में भी वो मतलब बोल के ले जाते कि भाई हम हमारे को जान ले जाने वाले, एंड आप नहीं जानते हैं लेकिन ऐसा बता के आपके यहाँ से सप्लायर्स ले गए, वो भेजा है कभी आप इंक्वायरी करके और हमारे लिए मेहंदी चाहिए, जो उनको कोई भेजता होगा तभी आए हैं वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आपने आपके काम के बीच में से हमें वक्त दिया और हमारे, हमें भी और हमारे दोस्तों को बताया कि सोजत की जो मशहूर मेहंदी है वो कैसे बनती है। इसी तरह की और सारी स्टोरीज हम पाली में और करने वाले हैं, उन सबको आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो देखने के लिए यूट्यूब एक मुफीद प्लेटफॉर्म लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मनोज के साथ सोजत से मैं हूँ निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।